हेलो फ्रेंड्स, सचिन गुप्ता हियर, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट फ्रॉम चॉइस सिक्योरिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड दिस इज द वीकली पॉडकास्ट ऑन कमोडिटी मार्केट। तो बात करते हैं सबसे पहले बुलियन की, बुलियन में गोल्ड की। गोल्ड के अंदर जो है एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम हमें पिछले हफ्ते देखने को मिला। प्राइस जो है पॉजिटिव मैनर में ओपन हुए और उसके बाद 48,800 के आसपास का हाई लगाकर जो है पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए नजर आए। फाइनली फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को एक पॉजिटिव साइड की ओपनिंग देखने के बाद करीब 48,520 के जो है वो प्राइस क्लोज होते हुए देखे। ओवरऑल पिक्चर अगर गोल्ड की देखिए तो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं चार्ट्स पर, और 48,000 के ऊपर जब तक गोल्ड के प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं इस प्राइसेस को, हमें लगता है कि एक अपसाइड की रैली करीब 50,000 की जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 48,000 का है गोल्ड में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फर्दर अगर वो सपोर्ट इन केस कभी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 47,800 का रहेगा। वहीं हायर साइड में अगर देखा जाए तो 48,900 एक इमीडिएट सपोर्ट है। वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो उसके बाद में 50,000 तक के हायर साइड में जो है वो टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि अपर साइड में नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो करीब 50,000 का रहेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर के अंदर लास्ट वीक में जो है मोमेंटम कुछ अलग सा दिखाई दिया। यहाँ गोल्ड जो है वो पॉजिटिव मैनर में ट्रेड कर रहा था, वहीं सिल्वर के अंदर हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। करीब 74,000 के हाईस टेस्ट करने के बाद सिल्वर के अंदर 70,500 का एक लो पिछले हफ्ते में देखने को मिला, और दो प्राइस जो है वो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 0.5% के गेन के साथ 71,400 के अराउंड क्लोज होते हुए नजर आए। सिल्वर के अंदर गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीकनेस जरूर दिखी है, बट सिल्वर काउंटर जो है वो गोल्ड से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आने वाले कुछ हफ्तों में, ऐसा गोल्ड सिल्वर के रेशो को देखने से पता चलता है। तो हमें लगता है कि सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है आने वाले कुछ हफ्तों में, तो सिल्वर पे जरूर वॉच रखना चाहिए। सिल्वर के अंदर जो सपोर्ट है वो डाउनसाइड में 70,000 का इमीडिएट सपोर्ट है, वो फर्दर लेवल्स इन केस ब्रेक होते हैं तो 68,700 जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। वहीं हायर साइड में अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 73,000 का है। फर्दर लेवल्स ब्रेक होते ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 74,500 का रहेगा। हायर साइड में हमें लगता है कि अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर जो है वो अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, और प्राइजेस जो है वो आने वाले कुछ सेशंस में 75,000 और 78,000 तक के भी लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिल्वर के अंदर जो है वो बुलिश ही रहना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ सिल्वर में काम किया जा सकता है। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। तो लास्ट वीक में सारे ही बेस मेटल्स के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट सभी बेस मेटल्स जो है वो हायर लेवल से डाउन साइड में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। बात करते हैं जिंक की। तो जिंक के अंदर भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, एक मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। प्राइजेस जो है करीब 242 के आसपास में यहाँ ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी और प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल जिंक की अगर बात करें तो डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जो कि 223 के अराउंड है। 223 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। वहीं हायर साइड में जो रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि जिंक फेस कर रहा है वो अराउंड 232 का है। फर्दर लेवल्स जो के बीच में हमें लगता है एक बार इस रेंज के बीच में ही जो है जिंक के अंदर कारोबार होना चाहिए इस हफ्ते के लिए। अगर इधर साइड ब्रेकआउट मिलता है, यानी 223 के लेवल्स डाउन साइड में ब्रेक होते हैं, या अप साइड में 232-233 के लेवल्स को जिंक ब्रेक करता है, तो एक अच्छी रैली जो है वो, यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट, इधर साइड ब्रेकआउट जो है वो जिंक के अंदर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निकल की। तो निकल में भी जो है वो हाई लेवल से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। यहाँ प्राइसेस करीब 1300 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे पिछले हफ्ते के करेक्शन के बाद, 1225 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आए। तो जिंक के अंदर, निकल के अंदर भी जो है अभी और डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है कि डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट जो है वो निकल का 1180 के अराउंड है, और वहीं हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 1250 का है। फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक करते हैं तो जो है एक अपसाइड मोमेंटम जो है निकल में देखने को मिल सकता है, बट इमीडिएट लेवल्स की अगर बात करें और टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो अभी वीकनेस जो है वो और कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इमीडिएट लेवल्स जो है वो 1200 के रहेंगे, और वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 1180 का एक मेजर सपोर्ट निकल के अंदर देखने को मिल सकता है।
वहीं बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर में भी जो है एक चौतरफा गिरावट जो है वो पिछले हफ्ते में देखने को मिली है। कॉपर के प्राइसेस जो हैं हायर लेवल्स पे जो करीब 800 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से एक वन वे करेक्शन देखने को मिला और प्राइसेस जो है वो 750 740 लेवल्स के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। इमीडिएट लेवल्स की बात करें तो अभी चार्ट्स पर जो है वो कॉपर के प्राइसेस जो है वीक ही नज़र आ रहे हैं और हमें लगता है करेक्शन अभी और कंटिन्यू हो रह सकता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कॉपर होल्ड कर सकता है, करीब 710 के अराउंड 710 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। वहीं हायर साइड में रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 755 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अगर ओवरऑल इस हफ्ते की बात करें तो हमें लगता है कि फिर वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। 710 तक के टारगेट्स डाउन साइड में कॉपर काउंटर दिखा सकता है। वहीं लेड की सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ओवरऑल वीकनेस नज़र आ रही है। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो करीब 166 का है जो कि इमीजिएट सपोर्ट है, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 163 का नेक्स्ट लेवल रहेगा। हायर साइड में रेजिस्टेंस जो है 175 पर लेड के प्राइसेस होल्ड कर सकते हैं। नाउ कम टू द एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के अंदर भी एक अच्छी अपसाइड रैली पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली थी। ऑल दो लास्ट वीक की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से वापस देखने को मिला है। 200 के लेवल्स पे जहाँ प्राइस होल्ड कर रहे थे वहाँ से एक करेक्शन कंटिन्यू हुआ है और 185-186 के आसपास में क्लोजिंग होती हुई नज़र आई है। एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है इस हफ्ते के लिए वापस से एक वीकनेस दिखा रहे हैं, चार्ट्स काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। हमें लगता है डाउन साइड में जो है 178 का एक इमीजिएट सपोर्ट है जो कि काउंटर टेस्ट कर सकता है। वहीं हायर साइड में 192 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, फर्दर वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो वापस से एल्यूमिनियम के अंदर 200 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ कम टू द एनर्जी, तो एनर्जी सेक्टर में क्रूड की बात करें तो वो वीकनेस थोड़ी सी हायर लेवल से देखने को मिली थी, बट ऑल दो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को एक अच्छी रिकवरी जो है वो लोअर लेवल से वापस आती हुई दिखी है। डाउन साइड में 4500 का एक अच्छा सपोर्ट जो है वो क्रूड ऑयल होल्ड कर रहा है। वहीं हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 4800 के अराउंड है, 4800 के लेवल्स को फर्दर ब्रेक करके सस्टेन करता है अगर क्रूड तो हमें लगता है कि एक बार 5000 प्लस तक के लेवल्स जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड में अगर 4500 के सपोर्ट जो है ब्रेक होते हैं तो 4300 एंड 4200 तक के टारगेट जो है कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। नाउ कम टू द नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस के अंदर हायर लेवल से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग पिछले हफ्ते में देखने को मिली है और प्राइस जो है वापस से अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके जो कि करीब 212 के आसपास था उसको ब्रेक करके लोअर साइड में क्लोज होते हुए नजर आए हैं। हमें लगता है एक बार वीकनेस जो है नेचुरल गैस में इस हफ्ते में वापस से कंटिन्यू हो सकती है। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट 200 का है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक करता है तो 193 और 193 के लेवल्स नेचुरल गैस टेस्ट कर सकता है। वहीं हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 220 पर है, फर्दर 220 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो अप साइड में 230 यानी 230 और 232 रुपये के लेवल्स जो है नेचुरल गैस में वापस से देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेशंस।